प्रिय विद्यार्थियों, किरचॉफ के दोनों नियम पढ़ने के बाद आज हम चतुर टर्मिनल जाल और उसके विभिन्न प्राचालों की चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किरचॉफ के नियम किसी भी जाल में, उसकी शाखा में, उसके लूप या मेश में हम उपयोग में ला सकते हैं। तो किसी भी नेटवर्क या जाल के अगर केवल दो टर्मिनल हो तो उसे द्वि टर्मिनल जाल बोलते हैं। विभिन्न अवयवों जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, डायोड इत्यादि से युक्त किसी भी जाल में जब दो निवेशी और दो निर्गम टर्मिनल हो तो ऐसे जाल को हम चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। इसका निरूपण सामान्यतः निम्न प्रकार से करते हैं। ये जो बॉक्स है ये किसी भी जटिल जाल को समेटे हुए है। अंदर जाल में ये सारी रैखिक प्रतिबाधाओं से युक्त जितनी भी प्रतिबाधाएं हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन उसके मूल रूप से केवल दो इनपुट टर्मिनल और दो आउटपुट, यानी दो निवेशी टर्मिनल और दो निर्गम टर्मिनल हम जानते हैं। निवेशी टर्मिनल पे जब V1 वोल्ट आरोपित करते हैं तो माना धारा I1 ये प्रवाहित करता है, और निर्गम टर्मिनल्स पे यानी आउटपुट टर्मिनल्स पे अगर हम V2 वोल्ट आरोपित करते हैं तो माना धारा I2 प्रवाहित होती है। तो ऐसी स्थिति में इसके चार परिवर्तित यानी चर राशियाँ होती है। परिवर्तित को मैं चर भी लिख सकता हूँ। इसमें चार चर राशियाँ होती है, V1 I1 V2 I2, और इनमें निवेशी वोल्टता V1 कैल अपन मान रहे हैं, V2 को हम निर्गम मान रहे हैं, तो निवेशी धारा I1 हो जाएगी, निर्गम धारा I2 है। इन चार चरों में से हम किन्हीं भी दो चर राशियों को अगर स्वतंत्र माने और बाकी दो को उनका फलन माने तो हमारे पास कई परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन उनमें से मूल रूप से केवल तीन को ही हम यहाँ परिभाषित करेंगे। जैसे खुले परिपथ के प्राचाल अथवा प्रतिबाधा प्राचाल, इसमें निवेशी और निर्गम धाराओं I1 और I2 को हम स्वतंत्र राशियाँ मानते हैं, स्वतंत्र चर मानते हैं, और ये मान के चलते हैं कि V1 और V2 जो वोल्टताएँ हैं वो उनके फलन हैं। यानी I1 और I2 के बदलने से V1 और V2 के मान किस प्रकार परिवर्तित होते हैं तो वो मैंने लिख दिया। मान लो जो निवेशी वोल्टता V1 है वो I1 और I2 का फलन F1 है। द इनपुट वोल्टेज V1 इज अ फंक्शन ऑफ करंट्स I1 एंड I2 एज सच डिफाइंड एज F1 I1 I2। तो अवकलन गणित के हिसाब से V1 में V1 का पूर्ण अवकलन या पूर्ण अवकलज dV1 का मान ये होगा, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 dI1 प्लस एंड सो। रैखिक प्रतिबाधाओं में यदि परिवर्तन को हम V1 और I1 से डिनोट करें तो V1 बराबर ये क्वांटिटी I1 प्लस ये क्वांटिटी I2, इसको मैं लिखूंगा Z11 I1 प्लस Z12 I2। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब धारा का मान शून्य होता है किसी भी ब्रांच में तो हम उसको खुली ब्रांच या खुला परिपथ कहते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ I1 बराबर शून्य, इसका मतलब यह है निवेशी टर्मिनल खुले हैं, और मैं बोलता हूँ I2 बराबर जीरो तो निर्गम टर्मिनल खुले हैं। तो अगर मुझे Z11 परिभाषित करना है तो मैं लिखूँगा Z11 बराबर है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1, यानी निवेशी वोल्टता में परिवर्तन की दर धारा के सापेक्ष जबकि निर्गम टर्मिनल खुले हों। तो ये मैं अगले पेज पर परिभाषा देता हूँ आपको। समय बचाने के लिए मैंने पहले भूमिका बांध दी है, अब आप आसानी से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ Z11 बराबर डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 जब I2 बराबर शून्य, अर्थात यह है निवेशी प्रतिबाधा होगी, अर्थात यह है परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा है जब निर्गम टर्मिनल खुले हैं। इसी प्रकार Z12 क्या है, Z12 जो है वो आंतरण प्रतिबाधा है, क्योंकि
डेल्टा वी वन वोल्टा इनपुट की है और आउटपुट की करंट है, तो जेड वन टू हो जाएगी डेल्टा वी वन अपॉन डेल्टा आई टू बराबर निवेशी उत्क्रम आंतरण प्रतिबाधा है, उत्क्रम आंतरण प्रतिबाधा है इंग्लिश में इसको बोलेंगे, इट इज रिवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस जब निवेशी टर्मिनल खुले, जब निवेशी टर्मिनल खुले, जब निवेशी टर्मिनल खुले, ये ध्यान रखिए। इसी प्रकार निवेशी टर्मिनल खुले अर्थात आई वन बराबर शून्य। इसी प्रकार अगर मैं निर्गम वोल्टता V2 को एक नया फलन लेता हूँ I1 I2 का, तो मैं लिख सकता हूँ dV2 बराबर डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा I1 dI1 प्लस डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा I2 dI2, या इसको मैं लिख सकता हूँ V2 बराबर Z21 I1 प्लस Z22 I2, और ये हो जाएगी। देखिए यहाँ Z21 को मैं बोलूँगा अग्र आंतरण प्रतिबाधा, यानी निर्गम वोल्टता अपॉन निवेशी धारा होती है अग्र आंतरण प्रतिबाधा, और निवेशी वोल्टता अपॉन निर्गम धारा होती है उत्क्रम आंतरण प्रतिबाधा। कब? जब I2 बराबर जीरो अर्थात निर्गम टर्मिनल खुले, बच्चों। इसी प्रकार डेल्टा V2, ये जो Z22 है, तो ये Z21 कितना आ जाएगा डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा I1, और Z22 क्या होगा, Z22 है निर्गम प्रतिबाधा, तो ये हो जाएगी डेल्टा V2 अपॉन डेल्टा I2 जब DI1 जीरो कह दो या I1 बराबर जीरो अर्थात निर्गम निवेशी टर्मिनल खुले। इसका मतलब ये हुआ, यह है निर्गम प्रतिबाधा किसी भी परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा, ये है ये इक्वेशन नंबर वन जेड वन वन, ये टू, ये थ्री, जेड वन वन जेड वन टू जेड टू टू और जेड टू वन को प्रतिबाधा प्राचाल या अंग्रेजी में इंपीडेंस पैरामीटर, प्रतिबाधा प्राचाल कहते हैं। हम इसी प्रकार अन्य प्राचालों को परिभाषित करते हैं जिनमें प्रवेश्यता प्राचाल और संकर प्राचाल होंगे, ये मैं भी करूँगा।